डियर स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में सेवन क्लास की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर सेवन को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर सेवन डिवीजन ऑफ इंटीज़र यहाँ पर हम इंटीज़र की डिवीज़न के बारे में स्टडी करेंगे तो सबसे पहले देखिए कि इंटीज़र क्या होता है इंटीज़र in इंटीजर को हम Z से डिनोट करते हैं Z इज इक्वल टू माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री तो इंटीज़र में हर तरह के नंबर्स इंक्लूड किए जाते हैं जैसे नेगेटिव नंबर्स एज वेल एज ज़ीरो एज वेल एज पॉजिटिव नंबर सो एवरी नंबर इज ए इंटीज़र इसे हम हमेशा Z से डिनोट करते हैं नाउ ऑपरेशन ऑन इंटीज़र डिवीज़न चलिए अब हम इंटीजर के ऊपर कुछ ऑपरेशन लगाते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर डिवीज़न ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे डिवीजन इज़ द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन डिवीज़न जो है वह मल्टीप्लीकेशन का इन्वर्स ऑपरेशन है इन्वर्स का मतलब होता है रिवर्स ऑपरेशन उल्टा ऑपरेशन है तो देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग डिवीजन स्टेटमेंट यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं चलिए उन्हें पढ़ते हैं माइनस फिफ्टीन डिवाइड फिफ्टीन तो यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा फाइव थ्री जा फिफ्टीन सो वी गेट थ्री नाउ सेवेंटी सेवन डिवाइड माइनस इलेवन इलेवन सेवन जा सेवेंटी सेवन सो वी गेट माइनस सेवन ट्वेंटी फोर डिवाइड फोर फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर सो वी गेट सिक्स नाउ हो मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट अब देखिए मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट में देखिए थ्री माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन थ्री फाइव जा माइनस फिफ्टीन तो देखिए यह है, इसका इन्वर्स कैसे है डिवीजन मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स ऑपरेशन है आप देखिए इधर फर्स्ट को देखिए यदि हमने माइनस फाइव को फिफ्टीन से डिवाइड किया है तो हमें तीन मिलता है थ्री मिलता है एंड इफ वी थ्री मल्टीप्लाइड बाय माइनस फाइव देन वी गेट माइनस फिफ्टीन सिक्स मल्टीप्लाइड बाय फोर देन वी गेट माइनस देन वी गेट ट्वेंटी फोर एंड इफ वी माइनस सेवन मल्टीप्लाइड बाय माइनस इलेवन देन वी गेट सेवेंटी सेवन तो ये इसका रिवर्स ऑपरेशन है नाउ लेट एस रिकॉल वैन देयर आर ओल्ड नंबर्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स देखिए यहाँ पर हमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बताया गया है कि वैन देर आर ओल नंबर्स ऑफ नेगेटिव नंबर जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर्स को ने मतलब अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स जो हैं वह ओर नंबर में दिए गए हैं तो हमेरा, हमारा हमारा आंसर जो है वो हमेशा नेगेटिव आएगा आवर आंसर इज ऑलवेज नेगेटिव इफ़ नेगेटिव नंबर्स आर इन ओड नंबर देन आंसर इज नेगेटिव देखिए जैसे यहाँ पर एक प्लस का साइन है डिवाइड माइनस का साइन अब यहाँ पर माइनस के साइन की टर्म्स कितनी हैं कितने नंबर्स हैं एक है ना माइनस का साइन तो हमारा आंसर क्या आएगा नेगेटिव यहाँ पर देखिए हमारे माइनस के साइन कितने हैं वन टू थ्री थ्री माइनस के साइन है जो कि ओड नंबर होता है तो हमारा आंसर क्या आएगा नेगेटिव आएगा तो इस तरह से आप इस टर्म को इस कंसेप्ट को लर्न याद कीजिए कि अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स ओड हैं तब हमेरा, हमारा हमारा आंसर जो है वो हमेशा नेगेटिव आता है नाउ नेक्स्ट इज लेट लेटस्ट रिकॉल वेन देयर आर इवन नंबर्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स आंसर इज पॉजिटिव यदि हमारे पास नेगेटिव नंबर्स के इवन नंबर दिए गए हैं देखिए अगर नेगेटिव नंबर्स के इवन नंबर दिए गए हैं तो हमारा आंसर जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा इधर देखिए स्टेटमेंट में यहाँ पर नेगेटिव नंबर कितने हैं दो तो दो क्या है इवन नंबर है तो इवन नंबर के लिए हमारा आंसर क्या आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा तो यहां से आपको मैंने दो टर्म दो कंसेप्ट लर्न कराए हैं यदि हमारे क्वेश्चन में नेगेटिव नंबर्स इवन हैं तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा और यदि हमारे क्वेश्चन में नेगेटिव नंबर्स ओड हैं तो हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा देखिए जैसे चेक करते हैं चलिए माइनस डिवाइड थ्री अब यहां पर आप चेक कीजिए कि नेगेटिव नंबर कितने हैं एक है ना तो एक क्या है वन है वन क्या है ओड नंबर है तो हमारा आंसर क्या आएगा नेगेटिव आएगा सेवेंटी सेवन डिवाइड माइनस सेवन यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स कितने हैं वन वन इज़ ओड सो सोवर आंसर इज़ नेगेटिव ट्वेंटी फोर डिवाइड सिक्स यहाँ पर नो नेगेटिव नंबर जीरो सो सोवर आंसर इज पॉजिटिव तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करते हुए ध्यान रखना है यदि नेगेटिव नंबर्स ओड हो तो आंसर नेगेटिव ही आएगा यदि आंसर यदि नेगेटिव नंबर्स इवन हो तो हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा नाउ देखिए उसके बाद आपको एक ट्रेंगल दिया गया है यहाँ पर ट्रेंगल्स में कुछ स्टेटमेंट्स हैं कुछ क्वेश्चन हैं चलिए उन्हें सॉल्व करते हैं पहला है वन ट्वेंटी फाइव डिवाइड फाइव तो फाइव फाइव जब वन ट्वेंटी फाइव सो वी गेट फाइव नाउ सेकेंड इज़ माइनस थ्री सिक्सटी नाइन डिवाइड नाइन तो देखिए यहाँ पर थ्री सिक्सटी नाइन को जब आप नाइन से डिवाइड करेंगे तो हमें फोर्टी वन मिलेगा अब देखिए क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नंबर कितने हैं एक वन है वन क्या है ओड नंबर है तो ओड नंबर के लिए हम हमेशा नेगेटिव आंसर आएगा तो यहाँ पर माइनस फोर्टी वन आएगा नाव थर्ड माइनस थर्टी डिवाइड थ्री यहाँ पर देखिए थर्टी को यदि थ्री से डिवाइड करेंगे तो हमें टेन आंसर मिलेगा और नेगेटिव नंबर वन है जो कि ओड नंबर है तो हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा सो वी गेट माइनस टेन नाव माइनस हंड्रेड डिवाइड टेन माइनस टेन फिफ्थ इज सिक्सटी एट डिवाइड माइनस सेवनटीन सो वी गेट माइनस फोर नाउ सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन द ट्रेंगल अबव एंड कलर ईच ब्लॉक बेस्ड ऑन द राइट आंसर देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन दी गई हैं कि यदि आपका आंसर फाइव हो तो आपको उसमें येलो कलर करना है यदि आपका आंसर माइनस फाइव हो तो रेड कलर करना है फोर्टी वन हो तो ब्लू कलर करना है माइनस फोर्टी वन हो तो ब्लॉक में रेड कलर करना है यदि आपका आंसर टेन हो तो आपको ऑरेंज कलर करना है माइनस टेन हो तो पिंक करना है माइनस फोर हो तो पर्पल कलर करना है और यदि फोर हो तो आपको ब्राउन कलर करना है तो देखिए आपके पास यहाँ पर फर्स्ट जो ट्रेंगल है सबसे पहली ट्रेंगल उसका आंसर कितना आ रहा है फाइव तो देखिए यहाँ पर ये आंसर फाइव है तो फाइव वाले में हमें येलो कलर करना है तो हमें इस बॉक्स में येलो कलर करना है नाउ हमारा आंसर कितना आ रहा है सेकेंड में माइनस फोर्टी वन तो देखिए माइनस फोर्टी वन वाले में हमें रेड कलर करना है तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस ब्लॉक में रेड कलर किया है आप भी इसमें रेड कलर कीजिए नेक्स्ट है थर्ड थर्ड में देखिए हमारा आंसर कितना है माइनस टेन इधर आइए माइनस टेन एफ पार्ट पर है माइनस टेन हमें उस ब्लॉक में पिंक कलर करना है तो आप यहाँ पर पिंक कलर कीजिए नाउ फोर्थ में ऑल्सो माइनस टेन सो पिंक कलर नाउ फिफ्थ इज माइनस फोर चलिए जी पार्ट पर देखिए माइनस फोर लिखा हुआ है तो कलर द ब्लॉक पर्पल आपको यहाँ पर पर्पल कलर करना है तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम किसी भी इंटीजर को प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग हैवे नाइस डे